लाइव न्यूज डीपीके न्यूज हरदम आपके साथ। डिजिटल इंडिया का डिजिटल चैनल डीपीके न्यूज, एक कदम सच्चाई की ओर। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। राजधानी जयपुर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर रतननाथ बांध है। यह रतननाथ बांध बस्सी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत फालियावास क्षेत्र में पड़ता है। पिछले वर्ष इसी समय यह बांध पानी से लबालब भर चुका था। प्रशासन के कई लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन्हें यह डर था कि कहीं यह बांध टूट ना जाए, पर आखिरकार यही हुआ जो प्रशासन के लोगों ने सोच रखा था। इस बांध में पानी को रोकने के लिए स्थानीय ग्रामीणों ने मेहनत करने और बांध पर मिट्टी लगाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, पर आखिरकार प्रशासन ने बांध का पूरा पानी निकलने के बाद बांध पर मिट्टी कट्टे व मिट्टी डालकर जहां से बांध का पानी निकाला था वहां पर जेसीबी और ट्रैक्टर की सहायता से मिट्टी डलवाकर उस नाके को बंद करवा दिया। उस वर्ष की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। उसके बाद बांध पर किसी प्रकार का कोई काम या निर्माण नहीं करवाया गया, ना ही प्रशासन का कोई उच्च अधिकारी वहां पहुंचकर बांध को देखा। तो देखिए हमारी रिपोर्ट। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह बांध आसपास के करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र के लोगों के लिए पानी का जरिया था। इसी के जरिए यहाँ के किसान खेती करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अगर इस बांध में पिछले वर्ष का पानी रिसाव ना होता और पूरा बांध में पानी रुक जाता तो किसान को आज बीतते पानी का सामना न करना पड़ता। पर इतना ध्यान किस राजनेता को था, यह जानकारी तो सिर्फ उन किसानों को है जिन्हें इनकी आवश्यकता है। बता दें कि अब इस वर्ष भी बांध में धीरे धीरे पानी आने लगा है, पर वह पानी जब रुके सब प्रशासन पिछली बार टूटे नाके को पेचवर्क करा रहा है, वहां पर एनीकट बनाए ताकि बांध में पानी रुक सके और बांध उस जगह से वापस ना टूटे, जिससे कि बांध में पानी रुकेगा और उसके चलते आसपास के क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ेगा, जिससे कि किसान आसानी से कई वर्ष तक और खेती कर पाएंगे। अन्यथा अब उस क्षेत्र में पानी धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है और जो किसान खेती पर निर्भर है उनके लिए एक बड़ी समस्या आने वाली है। और राजस्थान की वह सरकार जो किसानों की पार्टी कही जाती है, वह सरकार आज खुद अपने पैरों पर सही तरीके से खड़ा नहीं हो पा रही, अपने विधायकों की बाड़ाबंदी कर रखी है। अगर विधायक ग्राउंड पर उतरकर काम नहीं करेंगे तो क्षेत्र का यही हाल होगा। सरकार अपनी लड़ाई अपने स्तर पर लड़े, अपनी लड़ाई की भेंट इन किसानों को ना चढ़ाएं। डीपीके न्यूज यही निवेदन करेगा कि जल्द से जल्द बांध पर एनकट बनाया जाए और जहां जहां से बांध टूटा हुआ है या टूटने की आकांक्षा है वहां पर पेचवर्क या निर्माण किया जाए। और अब चलिए दिखाते हैं हम आपको हमारे संवाददाता चंद्रमोहन शर्मा द्वारा बनाई गई यह ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए प्रशासन का और रतननाथ बांध का यह असली चेहरा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीपीके न्यूज में। इस समय हम मौजूद है राजधानी से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर। बता दें कि बस्सी विधानसभा क्षेत्र के अंदर अभी हम मौजूद है और यहाँ पर ग्राम पंचायत फालियावास का रतननाथ बांध है, उस पर अभी हम मौजूद है। बांध की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, पर उससे पहले इस बांध की कहानी हम आपको सुना देते हैं। दरअसल पिछले साल इसी वर्ष इसी समय पर लगभग 15-20 दिन नीचे ऊपर हुए होंगे, इसी समय पर यह बांध पूर्ण रूप से लबालब पानी से भर चुका था। दरअसल प्रशासन का जाब्ता भी यहाँ पे मौजूद था और प्रशासन ने इसको रोकने के काफ़ी प्रयास भी किए थे, पर किसी कारणवश ये जहाँ से फूटना चाहिए था यानी जहाँ से बांध टूटना चाहिए था वहाँ से नहीं टूटा। और यहाँ से ये तस्वीर आप देख सकते हो, यहाँ से बांध का जो है रिसाव, पानी का रिसाव होने लगा और पूरा बांध टूट गया। तस्वीरें आप देख रहे हो, ये तस्वीरें देखिए, यहाँ से बांध का ये टूटा था और बांध टूटने के बाद आज पूरा एक साल बीत चुका है। अभी तक यहाँ पर सिर्फ जो मिट्टी डाली गई थी उसके अलावा कोई भी पेचिंग वर्क यहाँ पे नहीं हुआ है, ना ही कोई सीमेंटेड सीमेंट लगा के इसके ऊपर कोई पेच वर्क किया जाता है, वो पेच वर्क भी नहीं हुआ, यानी कि किसी प्रकार का कोई यहाँ पे निर्माण नहीं हुआ। बता दें कि ये जो रतननाथ बांध है आसपास के 3 से 4 किलोमीटर के जो लोग हैं किसान हैं उनका एक पानी का जरिया है।
इसी के जरिए उनकी खेती होती है, इसी के जरिए उनका बच्चों का पालन पोषण होता है। बांध की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, ये तस्वीरें मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा एक बार पूरी बांध की जो तस्वीरें हैं एक बार दर्शकों को दिखा दीजिए। ये बांध की तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हो डीपी के न्यूज़ पर। दरअसल पानी अभी कुछ इसके अंदर पानी की आवक हुई थी दो तीन दिन बारिश के बाद में, अगर अब एक दो दिन और जमकर बारिश हो जाए तो इसमें पानी की वही आवक पहले जैसी हो जाएगी, और अगर बांध वापस उसी तरह से लबालब पानी से भर जाता है तो क्या प्रशासन यहाँ से इसे रोक पाएगा? जहाँ से ये मिट्टी लगा गई है इसे रोक पाएगा? मिट्टी की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा ग्राउंड लेवल, आप आइए एक बार, मैं आपको खुद को वहाँ का जो ग्राउंड लेवल है वो दिखाऊंगा, जो किस प्रकार मिट्टी से, सिर्फ मात्र मिट्टी से, नॉर्मल जो मिट्टी होती है उससे रोका गया है। यहाँ से देखिए आप, यहाँ पर उतरने का भी जो रास्ता है बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, फिर भी मैं आपको उस रास्ते पर चलकर और आपको नीचे ले जाकर दिखाऊंगा तस्वीरें, और आप खुद ये तस्वीरें देखकर ये जान जाओगे कि इसके अंदर अगर पानी की आवक हुई तो कितने घंटे तक पानी रुक पाएगा और कितनी देर पानी रुक पाएगा। ये देखिए मैं आपको बांध की ओर लेकर जा रहा हूँ, ये देखिए तस्वीरें आप जो देख पा रहे हो, रतननाथ बांध है जो ग्राम पंचायत फालेवास के अंदर है। यहाँ के जो प्रशासन है उनको या तो फिर गहरी नींद है, या अन्यथा गहरी नींद नहीं है तो या फिर उनको ऐसे लगता है कि जनता पागल है। ये देखिए इस चीज़ के लिए उन्हें ना तो कोई ज्ञापन देना चाहिए ना और कुछ, क्योंकि पहले प्रशासन यहाँ पे मौजूद था, पूरा प्रशासन यहाँ पे आया था और प्रशासन के सामने पूरी प्रक्रिया हुई थी। जो बांध टूटा था इसका पूरी प्रक्रिया ये उनके सामने हुई थी, जो इसे सही किया गया था बांध को ये भी उनके सामने ही हुआ था, और उन्हीं के कुछ लोग इसे मिट्टी लगाकर ठीक किए थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हो बांध की, यहाँ पे देखिए सिर्फ ये कट्टों के सारे जो मिट्टी के कट्टे हैं उनके सारे रुका हुआ है। मैं कैमरा मैन से निवेदन करवा दूँगा थोड़ा आगे आके एक बार दिखा दीजिए। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, रतननाथ बांध की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि ग्राम पंचायत फालेवास के अंदर है। ये तस्वीरें देख लीजिए, कुछ पत्थर यहाँ पे गिरे हुए जो पहले का सीमेंटेड पेच वर्क था, यानी कि जिस सीमेंटेड से इसे रोका गया था, जो सीमेंटेड वर्क किया गया था उससे रोका गया था, उसकी यहाँ पे तो धज्जियाँ उड़ी हुई पड़ी है। ये तस्वीरें आप देखिए, पहले का टूटा हुआ पड़ा है बिल्कुल। ये तस्वीरें आप देखते रहिए, तस्वीरें आप देख सकते हो। ये मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाऊंगा, एक बार आप आइए, मैं आपको ये तस्वीरें भी दिखाऊंगा जहाँ से पूरा ग्राउंड लेवल आज मैं आपको यहाँ पे लाया हूँ। उसका यही कारण है कि एक बार आप खुद भी इस ग्राउंड लेवल को देखें कि अगर यहाँ पे बांध में पानी आता तो कहाँ तक ये संभव रहेगा और कहाँ तक कितने टाइम बांध के अंदर पानी टिक पाएगा। ये देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हो, यहाँ पर जो ये बांध है यहाँ से अगर पानी आया तो कुछ घंटों भी इसके अंदर पानी नहीं रुक पाएगा, और अपने आप ये बांध का जो सिर्फ नॉर्मल मिट्टी से रुका हुआ है, जेसीबी द्वारा यहाँ पे कुछ मिट्टी के कट्टे और मिट्टी यहाँ पे डाली गई थी, अगर आज बारिश हुई तो ना तो ये मिट्टी के कट्टे रहेंगे और ना ही ये मिट्टी रहेगी। तस्वीरें आप देख सकते हो, कुछ एक दो दिन जो बारिश हुई थी कुछ आवक पानी की यहाँ पे हुई है, पानी भी यहाँ पे भरा हुआ भी है, तस्वीरें आप देख सकते हो। हर बार डीपी की न्यूज़ आपको ग्राउंड लेवल दिखाता है, पर वो ग्राउंड लेवल उन अधिकारियों की आँख खोल भी देती है, पर अधिकारी उस आँख को मूंदे बैठे रहते हैं। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें एक बार मैं कैमरा मैन से निवेदन करूंगा, यहाँ पे देख लीजिए ये जो पूरे जो 11000 की जो 11 केवी की लाइन जा रही है विद्युत की, ये लाइन पिछली बार पूर्ण रूप से जलमग्न हो गई थी, यानी कि लाइन पूर्ण रूप से डूब चुकी थी और इसमें पानी की आवक इतनी ज़ोरदार हुई थी कि पूरा बांध भर गया था। अगर वो बांध का पानी इसके अंदर रहता और ज़मीन में से इसका सुखाव होता, जी बताऊँ मैं आपको, अगर उस पानी का सुखाव इसी बांध के अंदर होता तो आसपास के क्षेत्र के अंदर जो किसानों के पानी की आवक है वो अच्छी हो जाती और अच्छी तरह वो अपनी फसल कर पाते, पर इसके अंदर से दरअसल जो पानी आया था बांध पूर्ण रूप से भर चुका था और उसके कुछ घंटों बाद यहाँ से रिसाव होकर ये पूरा टूट गया था, और अब एक साल बीत चुका है फिर भी प्रशासन अपनी नींद में अभी आराम से सोता हुआ है। जो यहाँ के विधायक है वो भी अपनी नींद में है, यहाँ के प्रशासन के उच्च अधिकारी है वो भी अपनी नींद में है, जिनको ग्राउंड पे आकर जहाँ पर काम करना चाहिए वही आज एक तरह से, मान लो जो आप देख सकते हो कि जो विधायक है एक तरीके से बाड़ाबंदी के अंदर है, जो बाड़ाबंदी उनकी की गई है वो अंदर है, जो किसी होटल में आज रुक रहे हैं किसी होटल में दूसरे दिन रुक रहे हैं। साहब ग्राउंड लेवल तो देखो यहाँ पे आके, किसानों के लिए जो कांग्रेस पार्टी बोलते हैं कि हम किसानों के हक के लिए काम करते हैं, कौन से किसानों के हक के लिए काम कर रहे हो? यहाँ पे कम से कम मैंने तो हजारों किसान इसी के चलते उनके जो पालन पोषण हो रहा है, मैं आपको बताऊँ इसी बांध से उनका पूरा परिवार का पालन पोषण होता है, इसी से वो खेती करके कुछ खाते पीते हैं, पर जब उनके पास कोई पानी का जरिया नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे?
कांग्रेस पार्टी अपने आप को किसानों की पार्टी तो बोलती है, पर ये ग्राउंड लेवल तो आके देखिए, अपने अधिकारियों को तो बोले एक बार, इसकी तरफ देखिए, कैमरामैन को दिखाऊंगा चाहूंगा एक बार, इस ग्राउंड लेवल को तो देखे एक बार, कम से कम जो मिट्टी डली हुई है इसके ऊपर सीमेंटेड पेच वर्क करा के इसे रोका तो जाए ताकि पानी रुके, और पानी रुके तो किसानों के इसके अंदर जो किसान हैं जो अपनी खेती आराम से कर सकें। पर अभी मैं बताऊं कि इस लेवल की, यहाँ का जो पानी का लेवल है इतना नीचे गिर चुका है कि दो तीन फुहारे आसपास के क्षेत्रों में चलते हैं, दो तीन फुहारे का मतलब ऊंचे लोग तो नहीं समझ पाएंगे पर किसान लेवल है वो तो समझ गया होगा कि दो तीन फुहारे में कितना पानी होता है। इसलिए मेरा उन अधिकारियों से और उन प्रशासन के राजनेताओं से एक निवेदन है कि इस ग्राउंड लेवल पर आए और ग्राउंड लेवल एक बार चेक करें। होटलों में रहने से, होटलों में रुकने से कुछ भी नहीं होता, एक बार ग्राउंड लेवल आपको चेक करना पड़ेगा। जो किसानों की, जो ये किसानों के लिए बता रहा हूँ मैं, किसान इसके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर थे, कोई उच्च अधिकारी, उच्च राजनेता और कोई इसके ऊपर निर्भर नहीं है। सबसे बड़ी बात यही तो रह गई कि इसके अंदर जो गरीब किसान है उनके इस बांध की वजह से पानी जाता है और इसी बांध की वजह से वो खेती कर कर खाते हैं। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पर आए और इसका पेच वर्क कराए। मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन कन्हैयालाल शर्मा के साथ चंद्रमोहन शर्मा, डीपीके न्यूज, जयपुर। ना भी मतलब की